प्रदेश के रीवा जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में हनुमान नगर में तिरंगा यात्रा के तहत रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि हनुमना जनपद के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं जनता को आज 15 अगस्त अमृत महोत्सव पे? अपने क्षेत्र में खुशहाली चाहते हैं, अच्छी बारिश हो, किसान खुशहाल रहे, नौजवान खुशहाल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। हमारा यही मुद्दा है कि हमारे आम जन को कम से कम महंगाई तो नहीं मिले, कुछ मिले या नहीं मिले, और खुशहाली चाहिए और हमारा क्षेत्र फले फूले। आने वाला समय हम सब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे भारत निर्माण में, देश निर्माण में, अपने क्षेत्र निर्माण में हमारे नौजवान आगे काम करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ बने। संता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने एवं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम गढ़ में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत गढ़ सरपंच के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। व्यापारी संघ के लड़के बाइक रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाले, जिसमें से निखिल गुप्ता, सोनू भुजवा, दिलकुश गुप्ता, आकाश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। तिरंगा रैली संपन्न होने के बाद गढ़ में शनि देव के मंदिर के पास भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर परिषद नई गढ़ी के युवा समाज सेवी शुभम सोनी और उनके साथियों में आशीष शुक्ला, राजेश शुक्ला, निहाल शुक्ला, मनीष शुक्ला सभी ने मिलकर किया। यह पदयात्रा नई गढ़ी इंडियन गैस एजेंसी से लेकर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक की थी। साथ में बाइक यात्रा से नई गढ़ी अष्टभुजी माँ का मंदिर भी तिरंगा में रहा।